अल्लाह बालो, राम बालो, नफरत से अपने आप को बचा लो, रहने दो, रहने दो एक ही तिरंगा फौजियों का, रोज तिरंगे के डंडे में झंडा घुसाने वालों। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे आपको लोगों को मालूम है कि मुस्लिम वोट कितने हैं और यादव कितने हैं और भूमिहार कितने हैं, तो कम्बिनेशन बहुत अच्छा हमको लगा। और ओवैसी साहब ने ये बोला कि नहीं, हम मुजफ्फरपुर भी लड़ेंगे, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो यहाँ पर जो ये जो इंडिया गठबंधन है, ये एक्चुअली में ये भाजपा की बी टीम है। आप अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी जी का स्पीच सुने होंगे वहाँ अररिया में, वो बोले या तो एनडीए नहीं तो इंडिया, या तो ये नहीं बोल सकते थे कि या तो आप इंडिया को दीजिए या आप अपने विवेक से काम लीजिए, लेकिन वो तो डायरेक्टली बोल रहे हैं या तो एनडीए नहीं तो इंडिया। तो एक्चुअली ये तेजस्वी लालू परिवार भी जो है, ये भी बीजेपी की बी टीम ही है, और ये कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक के और भूमिहार ब्राह्मण सोशल सबके दलित सबके ये दुश्मन है। ये लोग सिर्फ अपना परिवारवाद चला रहे हैं। एक लालू एंड कंपनी है, अब देखिए लालू जी अपने अध्यक्ष हैं, उनके दो बेटा एमएलए हैं, उसके बाद विरोधी दल के नेता हैं, वाइफ उनकी एमएलसी हैं, एक बेटी राज्यसभा है, अभी दो बेटी फिर लड़ रही है। तो ये लालू एंड कंपनी है। तो इस बार हम लोग ने सोचा है, और कांग्रेस का तो आपको मालूम है कि बिहार में उनके कुछ है ही नहीं, वो लालू के रामकरम पे चल रहे हैं। लालू जिसको बोलता है सीट दीजिए, उसको सीट देते हैं। और हमारे यहाँ एमआईएम में बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट आए हैं, कि हमारे भूमिहार समाज से है, कि यादव समाज से है। और यहाँ पे आपको लोगों को मालूम है कि मुस्लिम वोट कितने हैं और यादव कितने हैं और भूमिहार कितने हैं, तो कम्बिनेशन बहुत अच्छा हमको लगा। और ओवैसी साहब ने ये बोला कि नहीं, हम मुजफ्फरपुर भी लड़ेंगे, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस बार हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं। जहाँ तक अजय निषाद की बात है, अब वो किस मुंह से जाएंगे मुसलमानों के पास, अरे हम तो आतंकवादी पैदा करते हैं, हम तो कोरोना फैलाते हैं, आप भी आतंकवादी हो जाएगी हमारे चक्कर में। और बोलते हैं कि ये जो मुसलमान है मदरसा से आतंकवादी पैदा होता है, उनको पता नहीं है एजेपी अब्दुल कलाम कहाँ से पैदा हुए हैं, जो हमारे देश का नाम कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए हैं, तो उनको पता नहीं है। इसलिए वो लोग सिर्फ हवा हवाई हैं, वो लोग अपना चमान चमकाने के लिए आए हैं, जमीनी स्तर पर उनका कुछ नहीं है। आप जाके 6 विधानसभा में देखिए, एमआईएम बहुत अच्छा पोजीशन में है और हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। चादर चढ़ा के माफी मांग लीजिए। माफी मांगने से नहीं होता है भैया, चादर चढ़ा के माफी मांग लीजिए। वो जो 4-5 देखिए, हर पार्टी में कुछ ना कुछ दलाल टाइप के लोग रहते हैं, ये तो आपको मालूम है। आज जो 5-10 जो मुस्लिम जो उनके साथ दिख रहे हैं, वो आरजेडी के बंधुआ मजदूर है, पेरोल पे आरजेडी या कांग्रेस के वो लोग काम करते हैं, तो लोग तो रहेंगे ही। आप जाइए कितनी जगह आपको वोट टंगा मिलेगा कि अजय निषाद का इस मोहल्ले में आना मना है। नहीं, वो सब वोट उतार दिया गया थे। आप और भी वोट है भाई मेरे, आप चलिए ना मेरे साथ, गांव गांव गए हैं, खानपुर बड़े गए हैं, और आई गए हैं, पुरहन्नी में गए हैं, सुजावलपुर गए हैं, राजापुर गाँव वहाँ गए हैं, जाके देख लीजिए सब जगह क्या हाल बना हुआ है। देखिए, आप लोगों से कोई चीज़ छुपी नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं कि असद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमाम साहब, हमारे हाजी साहब और इधर अंजार साहब, इन सभी लोगों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। और मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि मैं एमआईएम पार्टी ज्वाइन किया हूं, और असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ मजबूत करने के लिए, और ख़ास करके उत्तर बिहार में जहाँ पे कोई विकल्प नहीं है। आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस में काफ़ी वर्षों से मैं रहा और कांग्रेस के लिए तहे दिल से काम करते आया, लेकिन जब एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर 5 वर्षों तक अपनी मदद, मतलब इतनी मेहनत करता है, जनता के बीच मदद करता है, और इन मौके पे आकर के जो पलटू लोग होते हैं, जो दूसरी पार्टी से छोड़ करके और अपने पैसे के दम पर आ करके टिकट ले करके और लड़ने के लिए आ जाते हैं, और ये वो ये सोचते हैं, उनकी ये मतलब भावना होती है कि हम जनता को किसी तरह से खरीद लेंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता सब समझ रही है कि कौन क्या है। यही अजय निषाद जी कोविड के टाइम पे, आप लोग को पता होगा कि जब इनसे जनता फोन करके मदद मांगी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, और जब ये बात मेरे जहन में आई, मेरे नॉलेज में आया, मैंने तुरंत कोविड के समय में 43 क्वारंटाइन सेंटर पे एक सप्ताह तक मेरे सारे कार्यकर्ता वहाँ पे चाय, नाश्ता, साबुन, मास्क हम लोगों ने वितरण किया। आप लोगों को ये भी आप लोगों के माध्यम से पता ही होगा आप लोगों को। और दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या और भी दल हो,
ये सब लोग क्या सोच रहे हैं, खास करके नेशनलाइज पार्टी, कि मुजफ्फरपुर जो है सहनी की विरासत है। बट ऐसा है नहीं। सहनी ऐसे भी वोटिंग अगर देखा जाए तो मास वोट में सहनी बहुत पीछे है। हाँ, हमारे मुसलमान जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इनका बहुत बड़ा अहम योगदान है किसी भी उम्मीदवार को जिताने के लिए। तो जब ऑलरेडी MIM असदुद्दीन ओवैसी साहब उसी के लिए लड़ रहे हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने उनकी भावनाओं से प्रेरित होकर के, प्रसन्न होकर के हम इस पार्टी को ज्वाइन किए हैं और बड़ी मजबूती के साथ इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। और इंशाल्लाह उत्तर भारत में MIM पार्टी जो है अपनी किला फतेह करेगी। मैं आप लोगों को एक अंतिम में बात बताना चाहता हूं कि अल्लाह वालो राम वालो नफरत से अपने आप को बचा लो। अल्लाह वालो राम वालो नफरत से अपने आप को बचा लो। रहने दो, रहने दो एक ही तिरंगा फौजियों का, रोज तिरंगे के डंडे में झंडा घुसाने वालों। जय हिंद, जय भारत। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753333।